नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में से दो में आज भाजपा की सरकार काबिज हो गई। मध्य प्रदेश में पहले से भाजपा की सरकार थी, दोबारा जीत कर आए, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीन ली भाजपा ने। दोनों जगह नए मुख्यमंत्री, नए उपमुख्यमंत्री, नई पीढ़ी आ गई। दोनों जगह शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। भोपाल में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो जगदीश देवड़ा शेड्यूल कास्ट के एससी दलित और राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण, ओबीसी एससी और ब्राह्मण, एक कॉम्बिनेशन बनाया गया। नाम तीनों ही नए, चौंकाने वाले भी, लेकिन जब आए तो उसके बाद सब कुछ सेटल डाउन हो गया और आज शपथ ग्रहण सवाल हुआ। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय एसटी शेड्यूल ट्राइब्स और अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री, उनका भी शपथ ग्रहण समारोह हो गया। हमने सोमवार को आपसे कहा था कि राजस्थान में अब ये ऑप्शन बचा है कि या तो शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो नजरिया सामने आया उसमें सवर्ण मुख्यमंत्री भी है, सवर्ण उप मुख्यमंत्री भी है और शेड्यूल कास्ट का उप मुख्यमंत्री है। किसी वजह से शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बनाना संभव नहीं हुआ तो भी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। दूदू से विधायक है, विद्याधरनगर की विधायक दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनी, राजपूत समाज से, राज परिवार से। और भजनलाल शर्मा एकदम नया नाम, चौंकाने वाला नाम, ब्राह्मण समाज से। तो सवर्ण मुख्यमंत्री भी, सवर्ण उप मुख्यमंत्री भी और दलित उप मुख्यमंत्री भी। अब शपथ ग्रहण समारोह होगा इनका। शपथ ग्रहण समारोह 15 तारीख को सुबह 11:15 अल्बर्ट हॉल के सामने, ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, दोनों प्रभारी और प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह वगैरह वगैरह सब लोग मौजूद रहेंगे। फिलहाल यही पता लगा है कि शपथ इन तीन की होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा, कब होगा अभी कह नहीं सकते। आज शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गए, उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी गए क्योंकि वो बहुत बेहतर किस्म का मैनेजमेंट करना जानते हैं, और चंद्रशेखर संगठन महामंत्री जिनकी पूरी मेहनत 5 साल की फलीभूत हुई इस चुनाव में, और नारायण पंचारिया, इन सब ने जाकर आज निरीक्षण किया, कहाँ कैसे क्या होगा इस सब को तय किया गया। बीर जॉर्ज जोसेफ भी थे, वैभव गलारिया भी थे, और अब 15 तारीख को सुबह 11:15 राजस्थान के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इनका जिक्र एक बार फिर करूंगा मैं आज पेनल्टी कॉर्नर में, पर एक बड़ी खबर आपको बताना जरूरी है। खबर आपने सुन ली होगी दिन में शाम को न्यूज चैनल पर। मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने, निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कह सकता हूँ, आज जो याचिका दायर की थी गजेंद्र सिंह शेखावत की अवमानना वाले मामले में, वो राउज एवेन्यू कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट ने आज खारिज कर दी और ये तय कर दिया कि अवमानना के मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत की गई शिकायत पर सुनवाई होगी और मुकदमा चलेगा। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि मुकदमा चले, उन्होंने अपील की थी निचली कोर्ट से खारिज होने के बाद अपनी अर्जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनके पास दो ऑप्शन है मेरी समझ में, जितना मैं थोड़ा बहुत कानून समझता हूँ, या तो सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करें, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट में ही अपील करेंगे वो। एक शायद अगर प्रोविजन लागू होता होगा 482 का तो उसके तहत भी वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में, पर बेहतर ऑप्शन तो उनके लिए ये है कि फिलहाल अपील करें। वकील क्या सलाह देंगे उसके हिसाब से वो, अभी मैं समझता हूँ एक बार तो अपील करेंगे ही, क्योंकि मुकदमा फेस करने से बेहतर वो कोशिश करेंगे एक बार कि मुकदमा चलाए जाने के खिलाफ जो उनकी अर्जी है उस पर एक बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए।
पर ये बड़ी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है। सत्ता जाते जाते कोर्ट से भी एक उनको झटका लगा है। अब मैं आज आप